Today we are going to discuss second lecture of environmental issue, which is especially meant for water pollution and its control. पिछले दिन आप लोगों ने देखा था एयर पॉल्यूशन एंड इट कंट्रोल. आज का टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन एंड इट कंट्रोल. यह वाटर पॉल्यूशन ज्यादा महत्वपूर्ण है एयर पॉल्यूशन से, क्योंकि देखिए कोई भी पॉल्यूटेंट्स या तो वाटर बॉडी को इफेक्ट करेगा अल्टीमेटली, या एयर क्वालिटी को इफेक्ट करेगा. यह अलग बात है कि पॉल्यूशन लैंड पर होगा तो लैंड से वो पॉल्यूटेंट ड्रेन अप होकर के कहां जाएंगे, वाटर बॉडी में जाएंगे और उसे टॉक्सिफाई करें, या एयर में वोलेटाइल होंगे तो एयर में मिक्स होंगे तो एयर क्वालिटी को अफेक्ट करेंगे. आइए अब हम लोग विस्तार से वाटर पॉल्यूशन को देखते हैं. वाटर पॉल्यूशन एंड इट कंट्रोल. ह्यूमन बीइंग हैव बीन अब्यूजिंग द वाटर बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड बाय यूजिंग देम फॉर डिस्पोजल ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेस्ट. वी टेंड टू बिलीव दैट water can wash away everything, not taking cognizance of the fact that the water bodies are our lifeline, as well as that of all other living organisms. ये सब लोग जानते हैं जल ही जीवन है, या तो जीवन में जल है या जल में जीवन है, यानी जल ही जीवन है. कैन यू लिस्ट व्हाट ऑल वी टेन टू ट्राई एंड वॉश अवे थ्रू आवर रिवर एंड ड्रेन. ड्यू टू सच एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन काइंड द पॉन्ड लैक स्ट्रीम रिवर एस्चुरी एंड ओशन आर बिकमिंग पॉल्यूटेड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तभी तो गंगा सफाई एक्शन प्लान, जमुना सफाई एक्शन प्लान भारतवर्ष में भी लागू होता है. रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द क्लीननेस ऑफ द वाटर बॉडीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इन 1974 टू सेफ गार्ड आवर वाटर रिसोर्सेज. कि भारत सरकार ने 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पारित किया कि जिसके वजह से वाटर बॉडी को प्यूरिफाई किया जाए, लेस टॉक्सिक बनाया जा सके. अब वाटर पॉल्यूशन का कॉज क्या है ये देखें. डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, यही दोनों वाटर बॉडी को अफेक्ट करते हैं. As we work with the water in our home, in the city and town, we wash everything into drain. Have you ever wondered where the sewage that come out our house go? कि आपके घरों से निकलने वाले sewage line की पानी कहाँ जाता है? What happen in village? गांव में क्या होता है? Is the sewage treatment before being transported to the nearest river and mixed with it? आपके बगल में गंगा है. A mere 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human beings. कि 0.1% impurity जो है domestic waste का, वह भी पानी को प्रदूषित कर देता है, हुमन के लिए उपयोगी नहीं रहने देता है. यू हैव रीड अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन चैप्टर 10.
सॉलिड आर रिलेटिवली इजी टू रिमूव, व्हाट इज द डिफिकल्ट टू रिमूव। अब वेस्ट वाटर का कंपोजिशन क्या होता है यह एक बार जान लें। यह वाटर है जिसमें क्या है 0.1% इंप्यूरिटीज है और 99% इसमें वाटर है, 99.9%। फिर भी आपके यूज के लिए ये नहीं है, तो जरा देखते हैं कि ये इंप्यूरिटीज जो 0.1% है क्या है। सस्पेंडेड सॉलिड लाइक सैंड स्लीट एंड क्ले, मिट्टी बालू के कण। कोलोइडल मटेरियल लाइक फीकल मैटर बैक्टीरिया क्लॉथ एंड पेपर फाइबर्स। डिजॉल्व मटेरियल लाइक द न्यूट्रिएंट्स नाइट्रेट अमोनिया फॉस्फेट सोडियम कैल्शियम। साबुन से हाथ धोते हैं, कोरोना काल में सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, साबुन से बार बार हाथ धो रहे हैं, सुन रहे हैं 70 बार 60 बार आप लोग धो रहे हैं, तो आप जानते हैं कि सर्फ और साबुन में जो फॉस्फेट है वो कहां जाएगा। जितना सैनिटाइजर आप यूज कर रहे हैं वो वाटर बॉडी को क्या कर रहे हैं, अपने आप को तो साफ कर रहे हैं लेकिन वाटर बॉडी ओके। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया जैसे जगह के लिए कि वाटर में सीवेज में फीकल मैटर का जाना, लैट्रिन का पानी जाना, लैट्रिन जाना फिकल जाना, कोलवाइड मटेरियल। तो आप जाने कि इंप्यूरिटी जो वाटर में है वो तीन तरह की है, सस्पेंडेड सॉलिड कोलवाइडल मटेरियल और डिसॉल्व मटेरियल लाइक न्यूट्रिएंट्स नाइट्रेट अमोनिया फॉस्फेट सोडियम कैल्शियम। टॉक्सिक मेटल आयन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरली कंटेन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। यू मे बी आस्क टू मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बायोडिग्रेडेबल। योर पॉल्यूटेंट हैज टू ग्रेट, द फर्स्ट वन इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड द सेकेंड वन इज द बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर दोज पॉल्यूटेंट्स व्हिच आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स and the biodegradable are those organic matter which are decomposed by decomposer in your ecosystem, which radially decompose thanks to bacteria and other microorganism which can multiply using this organic substance as substrate and hence utilize some of the compost components of sewage. It is possible to estimate the amount of organic matter in sewage water by measuring BOD, biochemical oxygen demand. आपने समझा कि अगर किसी भी water body में कितना pollution है, वो कितना polluted है, यह बात कैसे जानेंगे? यह बात हम लोग जानेंगे किसके द्वारा? तो उसके बीओडी को डिटरमाइन करेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो क्या है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इस पर थोड़ा बात करते हैं। इन द चैप्टर ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू हैव रीड अबाउट द रिलेशन बिटवीन बीओडी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर। अभी आप लोगों ने यह चैप्टर 10 नहीं पढ़ा है जहां बीओडी की और भी चर्चा हुई है, तो चलिए मैं यही बीओडी की चर्चा करता हूं और आपको बीओडी समझाने की कोशिश करता हूं। डेफिनेशन ऑफ बीओडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। व्हेन ऑर्गेनिक मैटर सच एज द डेड प्लांट लीव्स ग्रास क्लिपिंग मैन्योर सीवेज और इवन फूड वेस्ट इज प्रेजेंट इन ए वाटर सप्लाई द बैक्टीरिया विल बिगिन टू प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग dissolved oxygen is consumed by the aerobic bacteria, robbing other aquatic organism of the oxygen they need to live. The biological oxygen demand or biochemical oxygen demand is a measure of the oxygen used by microorganism to decompose this huge.
If there is a large quality quantity of the organic waste in the water supply, there will also be a lot of bacteria present working to decompose this waste. In this case, the demand for oxygen will be high due to all the bacteria, so the BOD level will be high. As the waste is consumed off or dispersed through the water, BOD level will begin to decline. बात नहीं समझे, कहता है कि किसी भी वाटर बॉडी में अगर फीकल मैटर है या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे सब्जी का छिलका आपने भेजा फेंका, सेव भी आपने छील के खाया उसका भी छिलका फेंका, क्योंकि आपको तो छिलने की आदत है, तो ये जितने भी रॉ पदार्थ जा रहे हैं इनके डिकम्पोजिशन का होना, आप इकोसिस्टम पढ़े, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस पढ़े, तो डिकम्पोजर जो है इनको डिकम्पोज करेंगे, और जब ये डिकम्पोज होंगे ऑर्गेनिक मैटर, तो जो बैक्टीरिया जो इनके डिकम्पोजर हैं वो क्या करेंगे, एरोबिक नेचर के माइक्रोब्स है वो, तो उन्हें जो वाटर के अंदर पहले से घुला हुआ ऑक्सीजन है उसे कंज्यूम करेंगे। तो अब सोचिए कि जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा बैक्टीरिया की आवश्यकता होगी, और जितना ज्यादा बैक्टीरिया का ग्रोथ, डिकम्पोजर बैक्टीरिया का ग्रोथ पानी के अंदर होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। तो इस तरह उस वाटर बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल घटता चला जाएगा। तो किसी भी पॉल्यूटेड वाटर बॉडी वो है जिसकी ऑक्सीजन की लेवल को आप नापते हैं। अब ऑक्सीजन की लेवल नापते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब है कि उसका बीओडी ज्यादा है। अब आपका ये मतलब है कि अगर आप उस पानी को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, उसको क्वालिटी पूर्ण बनाना चाहते हैं, तो उसके बीओडी को घटाइए, बीओडी को कम करिए। ये बात यहां लिखा हुआ है कि वो डिकम्पोजर जो कंज्यूम कर लेते हैं ऑक्सीजन, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो वाटर में कुछ नेचुरल माइक्रोब्स या नेचुरल ऑर्गेनिज्म जो पहले से पाए जाते रहेंगे उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, मर जाएंगे या वहां से भाग जाएंगे। क्लियर हुआ? तो बीओटी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लोग कहते हैं, लेकिन यहां एक नई चीज समझिए, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक कंपोनेंट आपने डाला या कैसे भी पड़ गया, उसके साथ कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी जाएंगे, जैसे अभी फास्फेट की चर्चा किया था, तो फास्फेट भी वाटर के ऑक्सीजन से कंपाउंड बना सकता है, नाइट्रोजन भी वाटर से कंपाउंड बना सकता है जो नाइट्रोजनस सबस्टांस है। तो वाटर में जो ऑक्सीजन है उसकी कंजम्पशन दो लेवल पर है, एक तो वाटर में पाए जाने वाले माइक्रोब्स भी उसको कंज्यूम करते हैं फॉर डिकम्पोजिशन, तो ये बायोलॉजिकल डिमांड हुआ, लेकिन जो केमिकल वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके कंपाउंड बनाता है, तो ये क्या हुआ, केमिकल डिमांड हुआ, सीओडी। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब हो गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड प्लस केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये देखें, द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी टेस्ट मेजर द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्साइड ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर एंड वेस्ट वाटर सैंपल बाय द एक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडर एसिडिक कंडीशन। तो इस तरह से आपने दो बातों को देखा कि बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है। ठीक है, वास्तविक रूप में लोग कह देते हैं, सीधे कह देते हैं कि ऑर्गेनिज्म जितना कंज्यूम करेंगे, नहीं, ऑर्गेनिज्म जो कंज्यूम करेंगे वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, और उसके साथ वो केमिकल भी कंज्यूम करेगा वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, और दोनों को मिलाकर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आपने अब बीओडी समझा,
अब ये बीओडी किसी भी पॉल्यूटेड वाटर, वाटर की पॉल्यूशन क्या है इसको जानने के लिए हम उसको टेस्ट करते हैं, उसके बीओडी को देखते हैं। सपोज करिए कि आपके यहां से जो सीवेज निकल के जा रहा है उसको हमें नदी में देना है, तो लेकिन पहले उसका हम बीओडी मापते हैं और उसके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको भेजकर उसके बीओडी के लेवल को रिड्यूस करते हैं। यही हो गया प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, और रिड्यूस करके और तब उसको वाटर बॉडी, उसके रिवर में या कोई बड़े वाटर बॉडी में, तो इससे क्या होगा कि रिवर पॉल्यूशन से बच जाएगा। कि आपने पॉल्यूटेड वाटर निकाला, हमने उसका बीओडी घटा दिया, और बीओडी घटा देने के बाद पुनः उस वाटर को हमने रिलीज कर दिया रिवर के अंदर। अब बीओडी घटा देना यही कहलाता है वाटर ट्रीटमेंट या वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। आप जानते होंगे पटना ही है, पटना में दो जगह वाटर ट्रीटमेंट लगा हुआ है, प्लांट लगे हुए हैं बड़े बड़े, एक प्रेमचंद गोलंबर राजेंद्र नगर में जिसको बिहार के लोग कहते हैं मैला टंकी, और दूसरा राजापुर पुल पर। ये दोनों का काम किया है बीओडी को घटाना। आइए थोड़ा सा बात हम लोग कैसे बीओडी घटाया जाएगा इस पर बात करते हैं। अबे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन अप बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दैट डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर इन वाटर। सिंपल बात हो गई। द यूज ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई बाय द बैक्टीरिया विल इंक्रीज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। द यूज ऑफ बीओडी एज ए मेजर ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वेस्ट मेजर द लेवल ऑफ वाटर पॉल्यूशन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच सजेस्ट ए लेवल ऑफ पॉल्यूशन। ये तीन बात को ही, क्योंकि यहां से देखिए आप एक यूज ये भी है, मेजर ऑफ लेवल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड एज ए मेजर ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, कि कितने तरह के पॉल्यूटेंट्स वाटर में है यह भी बीओडी बताएगा, कितना लेवल है यह भी बताएगा, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं यह भी बताएगा। बीओडी लेवल इन एमजी पर लीटर, अगर बीओडी का लेवल 1 to 2 mg/L है तो वेरी गुड वाटर, देयर विल नॉट बी मच ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर सप्लाई, 3 to 5 है तो फेयर मॉडरेटली क्लीन, 6 to 9 है पुअर। आपकी केमिस्ट्री की किताब कहता है कि 7 से नीचे वाटर क्लीन है, 7 से ऊपर जैसे बीओडी बढ़ा तो वो पॉल्यूटेड है। और यह बात पूछा भी गया है, नीट में भी पूछा गया है, केमिस्ट्री में पूछा गया है, पिछले दिन भी कहे थे और आज भी कह रहा हूं कि आप लोग केमिस्ट्री की ग्रीन केमिस्ट्री टॉपिक है, चैप्टर है, पढ़ लेंगे ज्यादा फायदा होगा। एंड 100 or more वेरी पुअर वेरी पॉल्यूटेड कंटेन ऑर्गेनिक मैटर। तो अगर जो भी सीवेज अगर निकल रहा है अगर वो 9 है तो हम उसको 5 से कम कर देंगे और फिर वाटर बॉडी में डाल देंगे। आइए देखिए, या देखिए ये क्या है, एक ये रिवर है और यहां सोर्स, यहां से सीवेज डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो जहां से सीवेज डिस्चार्ज किया जाएगा तो जैसे सीवेज जाएगा तो बीओडी क्या होगा, पानी का बढ़ जाएगा, जिससे वहां पर पहले से जो जीव रह रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वे मारे जाएंगे। इसलिए लिखा हुआ है फीस किल एंड डिसअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर। लेकिन ये वाटर धीरे 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 आगे जब बढ़ रहा है तो देखिए क्या हो रहा है, रीअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर एंड ऑर्गेनिज्म। तो समझिए कि आप पटना के सामने अगर गंगा को देखिए
तो इसमें बहुत ज्यादा इंप्यूरिटीज होगी, क्योंकि यहां से बहुत सारे पॉइंट सोर्स जाके उसमें मिल रहे हैं। लेकिन यही जब यहां से 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर की ओर बढ़ जाइएगा तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो क्लीन होगा। ये नेचुरल फेनोमेना है। तो हम क्यों इंप्यूरिटी को उसमें डालें, क्यों नहीं वाटर ट्रीटमेंट बोर्ड के द्वारा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा पहले ट्रीट कर लें तब उसमें डालें। इसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से समझिए कि ये कंसंट्रेशन का ग्राफ है, कि जब यहां डिस्चार्ज किया, जहां डिस्चार्ज किया जा रहा है वहां देखिए पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन कितना है, और देखिए बीओडी क्या है, लो है, ब्लू लाइन से बीओडी दिखाया गया है। तो अगर ये ब्लू लाइन से बीओडी दिखाया गया है, और ये रेड लाइन जो है यहां डिस्चार्ज जहां कर रहे हैं उससे पहले ऑक्सीजन का लेवल, कि वाटर में ऑक्सीजन कितना है, तो मैक्सिमम वाटर का ऑक्सीजन वाटर में है कहां, जहां डिस्चार्ज आप कर रहे हैं उससे पहले। लेकिन जब ये डिस्चार्ज कर दे रहे हैं तो डिस्चार्ज होने से जो ये पॉल्यूटेंट वाटर जो डिस्चार्ज हो जा रहा है, अब देखिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन तुरंत फॉल डाउन कर जाता है, जीरो हो गया। तो जैसे जैसे वाटर बॉडी का ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन नीचे होता चला गया, वैसे वैसे क्या होगा, बीओडी बढ़ता चला जाएगा, मैक्सिमम हो गया। यह कहां की कंडीशन है, जहां आपने सीवेज डिस्चार्ज किया। अब सीवेज डिस्चार्ज करने के बाद जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बीओडी अब घट रहा है। फिर घट गया और डिजॉल्व ऑक्सीजन धीरे 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 बढ़ रहा है। यह कंडीशन है। तो इस डिजॉल्व ऑक्सीजन के कंडीशन को हम घटाएं क्यों, क्योंकि इस घटाने से क्या होगा, ये नेचर में ऐसा होने से क्या होगा कि इतना दूर में जो भी माइक्रो, जो भी यहां मछलियां रहती थी, जो भी जीव रहते थे, सारे मारे जाएंगे, यहां का इकोलॉजी वैनिश्ड कर जाएगा। क्लियर हुआ? दो दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई है सुंदरबन से, कि सुंदरबन में, पेपर में दे रहा था कि सुंदरबन में एक एनजीओ काम कर रहा है जिसका काम यह है कि वो लोगों को गैस चूल्हा बांट रहा है, छोटे छोटे जो स्टूडेंट हॉस्टल में रखते हैं। क्यों भाई? इसलिए गैस चूल्हा बांट रहा है कि वहां बाघों का आतंक बढ़ गया है, लोग लकड़ी के लिए जाते हैं जंगल में, बाघ उन पर शिकार कर ले रहे हैं, तो लोग लकड़ी के लिए नहीं जाए। लेकिन अगर इसके पीछे वेटलैंड पर काम करने वाले, वहां के सेंचुरी पर काम करने वाले वैज्ञानिक का कथन था कि उन्होंने कहा कि हाल के पंद्रह सालों में सुंदरबन में जो इस्चुरी ओशन के किनारे जो पानी है उसकी सेलाइनिटी बढ़ी है, वह पहले से ज्यादा नमकीन हो गया है, इसलिए बाघों को पसंदीदा भोजन नहीं मिल रहा है, इसलिए बाघ सिविलियन एरिया की ओर आ रहे हैं और मनुष्यों के द्वारा पाले गए जानवरों का शिकार कर रहे हैं। अब ये सेलाइनिटी क्यों बढ़ी? क्योंकि सारी नदियां गंगा वगैरह जाकर के वहां मिलती हैं समुद्र में, तो ये पॉल्यूटेड वाटर डे बाय डे जो डिस्चार्ज किया गया इससे सेलाइनिटी बढ़ा, और सेलाइनिटी बढ़ा तो जो पहले वहां पर ऑर्गेनिज्म रहते थे, वहां के जो नेचुरल बायोटा था वो शिफ्ट कर गया। ये कंसिक्वेंस आएगा। तो खैर, आप लोगों ने ये देखा कि वाटर की क्वालिटी क्या है, वाटर लेवल, वाटर की क्वालिटी क्या है, बीओडी का इंडिकेशन क्या है, किस प्रकार ये डिजॉल्व ऑक्सीजन जब वाटर में कम होगा तो बीओडी बढ़ेगा, और बीओडी घटेगा
तो डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ेगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन बार बार कह रहा हूं, आप घर में एक्वेरियम रखते हैं, देखते हैं उसमें फाउंटेन चलते रहता है ऑक्सीजन को डिजॉल्व कराने के लिए। मछली बेचने वाले लोगों को आप देखिएगा, मछली टब में रखकर उसमें हाथ से चलाते रहते हैं, वो उसमें वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व कराते हैं ताकि कि मछलियां ज्यादा से ज्यादा देर तक जिंदा रह सके। अब बीओडी, कभी प्लांट की बात कर रहा था मैं कि कैसे बीओडी को घटाया जाता है। देखिए ये सीवेज है, हल्का सा प्लांट्स के बारे में बात करें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सीवेज है। अब ये सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में आया, यहां सीवेज में बीओडी क्या है, हाई बीओडी है, और यहां आने पर क्या हुआ, ये फिल्टर करने के लिए ग्रीट जो है मोटे मोटे लकड़ी गुटके, इनको फिल्टर कर लिया गया, पानी को बाहर जाने दिया गया, इसमें से जो सिल्ट है जो आप लोगों ने देखा था इसमें बालू के कण वगैरह, वो सिल्ट जो इसमें टैंक में आ जाएगा, साथ में जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर है वो भी इसमें सेटल करके आ जाएंगे, उनको हमने फिर कहां भेजा, एरोबिक स्लग डाइजेस्टर। अब इस एरोबिक स्लग डाइजेस्टर में हम लोग इसको माइक्रोब्स के द्वारा डाइजेस्ट करा देंगे और ये फर्टिलाइजर और मीथेन गैस बना के निकल जाएगा। रिमेनिंग वाटर को या तो इस रास्ते से भेज सकते हैं या इस रास्ते से भेज सकते हैं। अब रिमेनिंग वाटर को यहां अगर भेजते हैं तो यहां देखिए फिल्टर करने के लिए हमारे पास तरीके हैं, हॉलो होल्स अलाउ एयर टू इंटर, वाटर के अंदर हम लोग एयर भेज रहे हैं जिससे ऑक्सीजन की मात्रा इसमें बढ़ती जाएगी। इस प्रकार अब यहां से हाई बीओडी में जब ये सारी काम करके सबको निकाल दिए, जब इसको सेटलिंग टैंक में ये ऑर्गेनिक मैटर यहां रुक जाएंगे तो उसके साथ माइक्रोब्स भी रुक जाएंगे। अब ये वाटर में माइक्रोब्स की संख्या कम हो गई, ऑर्गेनिक मैटर की संख्या कम हुई, तो यूं ही बीओडी क्या होगा, लो हो जाएगा। इसके ऊपर से हम लोग इस होल से एयर पास कराएंगे तो और भी इसका बीओडी क्या होगा, लो हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब इसे हम लोग रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो जो भी आपके घरों से सीवेज निकलता है उसके उसमें बीओडी क्या है, हाई है, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के द्वारा हम लोग क्या कर देते हैं, लो बीओडी कर देते हैं। हाई है यानी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, लो कर दिया इसका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, अब रिवर में डिस्चार्ज कर दिया। तो पीछे जो पढ़ के आप आए हैं कंडीशन वो तो नहीं होगी अब, तो ये सेफ्टी मेजर है। दूसरा तरीका है या तो ये एयर दीजिए इसको, नहीं तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड है हमारा, उसमें इसको हम छोड़ देंगे कुछ दिन के लिए। ऑक्सीडेशन पॉन्ड में भी कुछ खास प्रकार के माइक्रोब्स ग्रो करा देंगे, जो माइक्रोब्स क्या करेंगे कि धीरे 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 ऑर्गेनिक मैटर को खा जाएंगे और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। अब वो सियानो बैक्टीरिया रहेंगे जो कि खाएंगे भी, डिकम्पोज भी करेंगे, साथ में फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन भी पैदा करेंगे। माइक्रोब्स यानी ह्यूमन वेलफेयर में इस बात को हमें डिटेल पढ़ना है, हमने छोटा सा बात कहा। तो दो रास्ते हैं, या तो एयर ब्लो करा दीजिए नहीं तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में डालिए। फिर ऑक्सीडेशन पॉन्ड में जब डालेंगे आप, धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल इसका बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो बीओडी घट जाएगा और फिर इसको रिवर में डाल दीजिए। आइए एक छोटा सा टॉपिक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कहता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम ए इलनेस दैट बिगिन व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रेट इन वाटर आर इंजेस्टेड बाय एन इन्फेंट एंड कन्वर्टेड टू नाइट्रेट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। कि अगर बच्चे जरूरत से ज्यादा अगर नाइट्रेट लें तो उनमें वो नाइट्रेट नाइट्राइट में जाकर बदल जाता है। ही नाइट्राइट देन रिएक्ट विथ ऑक्सीहीमोग्लोबिन टू फॉर्म मिथेनोग्लोबिन विच कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन इफ ए लार्ज एनफ अमाउंट ऑफ मिथेनोग्लोबिन इज फॉर्म इन द ब्लड बॉडी टिश्यू मे बी डिप्राइव ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग द इन्फेंट टू डेवलप ब्लू कलरेशन ऑफ देयर म्यूकस मेम्ब्रेन एंड पॉसिबली डाइजेस्टिव एंड रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम
दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मिथेनोग्लोबिनिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम, कि वाटर बॉडीज में अगर नाइट्रेट ज्यादा रहेंगे और वो नाइट्रेट अगर आपके ड्रिंकिंग वाटर में आएंगे तो उससे क्या होने वाला है। तो अगर ड्रिंकिंग वाटर में अगर नाइट्रेट ज्यादा मिले ना तो उससे कौन सा डिजीज कॉज होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। फिगर 16.3 शो सम ऑफ द चेंज दैट वन मे नोटिस फॉलोइंग डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इन वाटर। एक बात तो आपने बीओडी का समझा कि सीवेज में अगर वाटर सीवेज को अगर रनिंग वाटर में रिवर में अगर डिस्चार्ज कर देंगे तो क्या होगा, तो ये बीओडी संबंधित। लेकिन अब दूसरी बात, अगर जब सीवेज को डिस्चार्ज करेंगे वाटर वाटर के अंदर तो वो नाइट्रेट जो है उसके अंदर इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है फॉस्फेट जो है वो वाटर बॉडी में जब जाएगा तो वो भी क्या करेगा, वहां दो घटनाएं करेगा। पहला कि वहां के जो बायोटा है वहां के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ज्यादा नाइट्रेट अत्यधिक नाइट्रेट और फॉस्फेट के वजह से वो शिफ्ट कर जाएंगे और कुछ वैसी प्रजातियां वहां आ जाएंगी जीवों की जो नाइट्रोजन टोलरेंस है फॉस्फेट टोलरेंस है उन्हें ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन बर्दाश्त करने की क्षमता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे प्लांट्स ऐसे एनिमल्स ऐसे माइक्रोब्स की जनसंख्या वहां बढ़ने लगेगी। अब इससे भी वाटर बॉडीज में घटनाएं घटेगी और आइए देखिए क्या घटेगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द रिसीविंग वाटर बॉडी कंज्यूम ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड एज ए रिजल्ट देर इज ए शार्प डिक्लाइन इन डिजॉल्व ऑक्सीजन डाउन स्ट्रीम फॉर द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज। ये तो जो बात आपने समझा दिया है, दिस कॉज द मोर्टालिटी ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रिएटर्स क्रिएचर्स। तो ये बात तो आप पीछे समझ के आ रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर आल्सो कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक फ्री फ्लोटिंग एल्गी कॉल्ड एल्गल ब्लूम। कि ज्यादा न्यूट्रिएंट से क्या हो जाएगा, वह प्लैंक्टोनिक एल्गी का ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा संख्या में वहां आ जाएंगे और इस घटना का नाम एल्गल ब्लूम विच इंपार्ट ए डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडीज एंड एल्गल ब्लूम कॉज डिटोरिएशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड कॉज फिश मॉर्टेलिटी। सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गा आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। यू मे हैव बीन द ब्यूटिफुल मॉव कलर्ड फ्लावर फाउंड ऑन वेरी अपीलिंग से फ्लोटिंग प्लांट इन वाटर बॉडीज। दिस प्लांट विच आर वेयर इंट्रोड्यूस इन टू इंडिया फॉर देयर लवली फ्लावर हैव कॉज हैवॉक बाय देयर एक्सेसिव ग्रोथ बाय कॉजिंग ब्लॉक इन आवर वाटर वेज। तो पहली बात तो एल्गल ब्लूम की हो गई कि जब न्यूट्रिएंट्स की अधिकता होगी तो वहां पर एल्गल ब्लूम की संभावनाएं बढ़ेंगी और होगा जो जिससे फिश की मॉर्टेलिटी बढ़ेगी। लेकिन अब दूसरी बात कहता है कि एक पौधा था जो एलियन स्पीसीज है, पीछे मैं चर्चा करके आया हूं, आप भी जानते हैं इकॉर्निया। तो इकॉर्निया पौधा जो है जलकुंभी जो है वो हाई नाइट्रोजन टॉलरेंस है। तो जहां भी आप सीवेज को जिस भी पॉन्ड में रिवर में डिलीवर्ड करेंगे वहां ये इकॉर्निया अत्यधिक मात्रा में पैदा हो जाता है क्योंकि नाइट्रोजन टॉलरेंस है और ये नदियों को ब्लॉक कर देता है या पॉन्ड को लैक को क्या करेगा, धीरे धीरे अब उसको शैलो बनाना शुरू कर देगा जो आपके इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं। तो एल्गल ब्लूम के बारे में मैं फिर समझा रहा हूं, दो बातें जाना आपने कि पहले बीओडी से संबंधित प्रॉब्लम थी, उसके बाद अब ये क्या प्रॉब्लम आ गया एल्गल ब्लूम, और तीसरी प्रॉब्लम क्या आ गया इकॉर्निया या टेरर ऑफ बंगाल जिसे हम लोग कहते हैं इसका।
क्या प्रॉब्लम आया ये देख, दीज आर प्लांट ऑफ वाटर हाइकेंथ या इकॉर्निया क्रिस्पस द वर्ल्ड मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक्वेटिक वीट। अब ये एल्गल ब्लूम जो अभी हमने बात किए थे, देखिए इसके डिफरेंट पैटर्न दिखाए हैं। ये नॉर्मल जो आपके यहां एल्गल ब्लूम होते हैं, ये लैंडलॉक, ये पॉन्ड के अंदर एल्गल ब्लूम है, ऐसा आप लोग अपने गांव में देखे होंगे। ये देखिए हाईली एक्सेसिव एल्गल ब्लूम है शहरों के किनारे, और ये समुद्रों में एल्गल ब्लूम है। वास्तव में इस फेनोमेना को, इसी को देखकर हम लोग एल्गल ब्लूम कहे कि देखिए यहां माइक्रोब्स जो हैं वो रेड कलर के हो गए हैं, इसमें रेड कलर के नहीं हुए लेकिन बट ऑल आर एल्गल ब्लूम, क्योंकि वहां आपका टेक्स्ट कहता है कि कलर से पहचाना जाता है। तो देखिए इसका कलर चेंज है, ये भी एल्गल ब्लूम 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 है। तो हर जगह अलग अलग जगहों पर ये होता है, क्यों होता है, ड्यू टू एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स। किसान पैडी धान की खेती लोग करते हैं, धान के खेत में अत्यधिक जहां यूरिया किसान देंगे वहां भी एल्गल ब्लूम हो जाएगा। यह एल्गल ब्लूम से घाटा क्या है, घाटा है कि यह टॉक्सिक सबस्टांस प्रोड्यूस करता है, फिश की मोर्टेलिटी को कॉज करता है। अब एल्गल ब्लूम के बाद दूसरी भी बात थी जो वही इकॉर्निया क्रिस्पिस वाली, तो इकॉर्निया क्रिस्पिस का दूसरा नाम टेरर ऑफ बंगाल, दे ग्रो एबंडेंटली इन यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज। अब यूट्रिफिकेशन एक शब्द है, आप लोग भी जानते होंगे या मैं तुरंत समझाऊंगा कि जैसे जैसे सीवेज किसी भी पॉन्ड या लेक में जाएगा तो उसको धीरे धीरे शैलो बनाता जाएगा, और साथ में अगर वहां पर टेरर ऑफ बंगाल पैदा हो जाएगा यानी जलकुंभी पैदा हो जाएगा तो जलकुंभी भी उसमें पैदा होगा, और हर साल क्या होगा उसी में डेड और डीके करके नीचे बैठते जाएगा, जिससे तालाब की गहराई धीरे धीरे कम होती जाएगी, और अब वो तालाब किधर की ओर चल देगा, सक्सेशन की ओर। तो यूट्रिफिकेशन पहली कड़ी है सक्सेशन का, जो आप लोग पढ़ के आए हैं, हाइड्रोसियर सक्सेशन, एंड लीड टू एन अनबैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनामिक्स ऑफ द वाटर बॉडी, क्योंकि वहां सब इकोसिस्टम गड़बड़ होने लगेगा। सीवेज फ्रॉम आवर होम एज वेल एज फ्रॉम हॉस्पिटल एंड लाइकली टू बी कंटेन मेनी अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इट डिस्पोजल इन टू द वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट मे कॉज आउटब्रेक ऑफ सीरियस डिजीज। आज भी हो रहा है, रात दिन वैज्ञानिक कुछ से कुछ कह रहे हैं कोरोना के बारे में, कोई कह रहा है कि एयर कंडीशन में रहने से कोरोना फैलता है, कोई कहता है कि नहीं फलाना वैज्ञानिक ने देखा कि पानी के अंदर कोरोना के वायरस है, कोई कहता है कि जो मास्क लगा के हम लोग चलते हैं। अभी आप लोग सोचिए कि कोरोना से अगर जिस व्यक्ति की मौत होती है उस व्यक्ति को हम लोग गवर्नमेंट क्या करता, बड़ा सेफ्टी से उसका दाह संस्कार करता है, लेकिन जितने पीपीई किट्स जो हैं, जितने आप लोग ये मास्क लगाते हैं, कोरोना से इन्फेक्टेड पर्सन जो लगाते हैं, क्या अगर उसका प्रॉपर डिस्पोज ऑफ होता है इंडिया के अंदर, अगर वो प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, या तो वाटर बॉडी को इन्फेक्ट करेगा या नहीं तो फिर एयर को इन्फेक्ट करेगा। तो कहता है कि जो भी हॉस्पिटल से वेस्ट निकलते हैं उसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनको हम प्रॉपर नहीं ट्रीट करते हैं, सीधे डिस्पोज कर देते हैं हम कहां, समुद्र नदियों में, वो भी ड्रिंकिंग वाटर में आने से सीरियस डिजीज पैदा कर सकते हैं, सच एज डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलरा, सब ये वाटर बॉर्न डिजीज है। अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज, वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सक्रेशन एंड प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा ऑफन कंटेन टॉक्सिक सबस्टांस, नोटेबली हैवी मेटल डिफाइन एज एलिमेंट विद डेंसिटी
मोर देन 5 mg पर सीएम क्यूब सच एज मरकरी कैडमियम कॉपर लेड ये लोग भी टॉक्सिसिटी वाटर बॉडी में पैदा करते हैं मरकरी की कैडमियम की कॉपर की लेड की एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये अब ये दूसरी आयाम में हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने पहला देखा कि डोमेस्टिक वेस्ट से क्या क्या परेशानियां हुई, कैसे बीओडी की बात समझा हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने यूट्रिफिकेशन की यूट्रिफिकेशन हो जाएगा एल्गल ब्लूम होगा। अब ये कह रहे हैं कि इससे डिजीज भी हो सकते हैं, हैवी मेटल की भी दिक्कत हो, हैवी मेटल की भी पॉइजनिंग हो सकती है। ए फ्यू टॉक्सिक सबस्टांस ऑफन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। शुरू में चर्चा किया था कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, तो बायोडिग्रेडेबल जो है उनका तो माइक्रोब्स के द्वारा उपयोग हम लोग रिसाइकिल्ड कर लेते हैं, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जैसे अभी आपने कैडमियम मरकरी डीडीटी इसको जो पढ़ रहे हैं, तो ये क्या करता है कि जीवों के अंदर जीव जब इसको दूसरे पदार्थों को खाते तो उनके साथ वाटर में रहने वाले जीव ये उनके बॉडी में टिश्यू में जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है और वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इन द एक्वेटिक फूड चेन बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। दिस हैपन बिकॉज ऑफ ए टॉक्सिक सबस्टांस एक्यूमुलेटेड बाई एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेटाबोलाइज और एक्सीट मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट। तो टॉक्सिक सबस्टांस जो जिनका ना मेटाबॉलिज्म हो सकता है ना उसको एक्सक्रीट कर सकते हैं तो वो क्या होगा, डिपोजिट होने लगेगा एंड दिस इज पास ऑन द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। दिस फेनोमेना इज द वेल नोन फॉर द मरकरी एंड डीडीटी। फिगर 16.5 शो बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एन एक्वेटिक फूड चेन इन दिस मैनर। The concentration of DDT increase at the successive tropic level. So if it is started at 0.003 ppb per part billion in water, it can ultimately can reach 25 ppm per part million in fish eating parts through biomagnification. High concentration of the DDT disturb the calcium metabolism of parts, which cause the thinning of egg cell and their premature breaking, eventually causing decline in the bird population. कहता है कि ये इससे क्या होगा, डीडीटी का यूज होगा, धीरे धीरे उसका बायो मैग्निफिकेशन होगा। अब पक्षियां जो मछली खाती हैं उनके अंदर डीडीटी का कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म उनके अंदर इंटरफेयर हो जाती है, जिसके वजह से वो जो अंडे देते हैं अंडा का जो खोल होता है जो कैल्शियम का बना होता है वो अंडे का खोल जो है सो हार्ड नहीं मुलायम हो जाता है। अब वो अंडा देने के बाद अगर उस पर बैठ करके उसको हेच करेंगी तो अंडे फूट जाते हैं, इस तरह उनके एक्सटिंक्शन पर उनके अस्तित्व पर ही प्रभाव पड़ने लगता है। ऐसी घटना विश्व में हो चुकी है अमेरिका के पेलिकन स्टेट में, जिसके चलते वहां पर पानी को साफ कराया गया, पानी क्या हो गया था डीडीटी के वजह से उजला हो गया था। तो भाई भारत में ही घोटाला नहीं होता है, वहां भी हुआ था व्हाइट स्कैम, यहां चारा घोटाला हुआ था, वहां पर क्या होता व्हाइट स्कैम, व्हाइट वाटर स्कैम। तब से डीडीटी पर बैन लगाया गया। तो डीडीटी का बहुत ही चर्चित केस है, किस तरह वर्ड्स के पॉपुलेशन को यह इफेक्ट करता है देखिए। ये फाइटोप्लैंकटन में इसकी 0.003 ppb है, इससे ऊपर बढ़ रहा है तो 0.04 ppb और उससे ऊपर बढ़ रहा है तो 0.5 ppm, उससे ऊपर बढ़ रहा है 0.2 ppm और सबसे ऊपर 0.5 ppm। आपने ये देखा कि जस्ट ये उस इकोलॉजिकल पिरामिड की तरफ है कि बायोमास में आपने देखा था 10% लॉ कि 10% घटते जा रहा है, लगभग ये 10% बढ़ते जा रहा है, तो मैग्निफिकेशन हो रहा है।
आइए हम बायोमैग्निफिकेशन पर और कुछ बात आपको दिखाते हैं। ये वास्तव में जो बायोमैग्निफिकेशन की घटना देखी गई थी हियरिंग गुल्स नामक पक्षियों में देखी गई थी। हियरिंग गुल्स कहें या रिंगिंग बिल्स कहें, आप देखिए कि ये फाइटोप्लैंकटन जो पानी के अंदर है इसमें 0.025 ppm है, या जू प्लैंकटन में आके 0.123 ppm हो गया, और स्मॉल फिश में 0.04 ppm हो गया, लैक में 4.83 ppm हो गया, और इसके एग में आकर के 124 ppm हो गया। तो अब तो इसके अंडे फूट जाएंगे तो क्या इसके बच्चे पैदा नहीं होंगे? तो अगर डीडीटी की कंटिन्यूअस यूज किया जाए तो बहुत सारे बर्ड्स की प्रजाति जो फिश ईटिंग है वो इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। अब आपने सीरियसनेस समझा होगा बायो मैग्निफिकेशन का। देखिए अब ये दूसरे फिगर से मैं दिखाना चाह रहा हूं कि यहां कितना है 0.00005 ppm इन वाटर। ये प्रोड्यूसर में कितना हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर श्रिंप में कितना हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर अमेरिकन ईल में कितना हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर एटलांटिक निडल फिश में कितना हो गया, टर्सरी कंज्यूमर में ये कितना हो गया। तो यहां से चलकर कि ये कितना हजार गुना ये बढ़ गया। दैट्स व्हाई देयर नेम इज द बायोमैग्निफिकेशन। तो आपने समझा कि बायोमैग्निफिकेशन का भी इंसिडेंट कब होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये डीडीटी के संबंध में था, लेकिन आपका टेक्स्ट कहता कि मरकरी के भी संबंध में होता है। हाँ जी, मरकरी से भी बायोमैग्निफिकेशन होगा, वो भी वेल नोन केस है। बायोमैग्निफिकेशन एंड मरकरी कंसंट्रेशन, वाटर बॉडी से मरकरी कहां गया, एल्गा में, एल्गा से एल्गा ईटिंग इंसेक्ट्स में, उससे कहां गया, इंसेक्ट ईटिंग इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट ईटिंग फिश में, फिश ईटिंग फिश में और ह्यूमन में। देखा आपने, और ये कौन सा डिजीज कॉज किया, मिनीमाता डिजीज। आइए जानते हैं थोड़ा सा मिनीमाता डिजीज के बारे में। मिथाइल मरकरी इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटल्डिहाइड, इट इज डिस्चार्ज विद द फैक्ट्री ड्रेनेज, पॉल्यूटेड फिश एंड द सेल फिश, पीपुल आर एट देम इन अ लार्ज क्वांटिटीज, देन मिनीमाता डिजीज ब्रोकन आउट। वास्तव में मिनीमाता डिजीज नाम इसलिए है कि खाड़ी का नाम है, जैसे आपके यहां बे ऑफ बंगाल उस तरह है बे ऑफ मिनीमाता जापान में, और उसी बे के किनारे जो कंपनियां थी उन लोगों ने उस बे में मरकरी मिथाइल मरकरी को डिस्चार्ज कर दिया। अब इसके बायोमैग्निफिकेशन से फिश में इसका डिपोजिशन ज्यादा हो गया और उससे हम मनुष्य इन्फेक्टेड होने लगे, उसे कहा गया मिनीमाता डिजीज। तो देयर नेम ड्यू टू द मिनीमाता बे एंड द कंपनी वाज मित्सुबिशी हु डिस्चार्ज दिस मरकरी मिथाइल मरकरी। तो आप लोगों ने जो बायो मैग्निफिकेशन की बात समझा, इसी से रिलेटेड एक टर्म है बायो एक्युमुलेशन। आइए थोड़ा जानते हैं कि बायो एक्युमुलेशन क्या है। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉल्यूटेंट इन ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कंपेयर्ड टू इट कंसंट्रेशन इन द एनवायरमेंट, कलेक्टिंग ऑफ सबस्टांस इन एन ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ इट, इट इज हाउ पॉल्यूटेंट्स इंटर ए फूड चेन। देखिए प्लैंकटन में कितना है, एस्कल्पिन में कितना है, और इफ्लुएंट जब नदी में आके ये गिर रहा था तो क्या था 0.01 ppt, कितना बढ़ते चला जा रहा है, 5000 गुना यहां बढ़ गया किसमें, फिश ईटिंग बर्ड्स में, और 11000 गुना बढ़ गया बाल्ड ईगल में। तो बायो एक्युमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ चेन में आगे बढ़ते जाना, ट्रॉपिक लेवल
और बायो एक्यूमुलेशन का मतलब हुआ किसी एक पर्टिकुलर जीव में कितना डिपॉजिट हो गया। आइए दोनों को अंतर कर देता हूं। बायो एक्यूमुलेशन वर्सेज बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए सबस्टांस इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम टेकन इन एंड स्टोर फास्टर देन दे आर ब्रोकन डाउन। और बायो मैग्निफिकेशन क्या है? द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक टू द फूड चेन टू अनदर। तो ये ट्रॉपिक लेवल से ट्रॉपिक लेवल ट्रांसफर होता है, उससे हमने बायो मैग्निफिकेशन किया। और पर्टिकुलर जीव में कितना डिपॉजिट हो गया उसे हम लोगों ने बायो एक्यूमुलेशन कहा। तो आपने बायो एक्यूमुलेशन भी समझा, बायो मैग्निफिकेशन फॉर डीडीटी और फॉर मरकरी समझा। आइए यूट्रिफिकेशन के बारे में। यूट्रिफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ ए लैक बाय द बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ द वाटर। In young lake, the water is cold and clear, supporting the little life. With time, a stream draining into the lake introduces nutrients such as nitrogen and phosphorus, which encourage the growth of aquatic organism. तो क्या होगा? सबसे पहले वहाँ water bloom होगा, और water bloom होने के बाद से फिर क्या हो गया? Icornia जैसे पौधे आ जाएंगे। As the lake fertility increase, प्लांट एंड एनिमल लाइफ बर्जियन एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स बिगिन टू डिपोजिटेड ऑन द लेक बॉटम। अब धीरे धीरे लेक की गहराई क्या हो? शैलो होना लगेगा, पॉन्ड शैलो होने लगेगा, लेक शैलो होने लगेगा। ओवर द सेंचुरी एज सिल्ट एंड ऑर्गेनिक डेबरिस पाइल अप द लेक ग्रो शैलोअर एंड वार्मर। और धीरे धीरे वार्म होने लगेगा। Which warm water organism supplementing those that thrive in cold environment. Marsh plant take root in the shallow and begin to fill the original lake basin. इस तरह धीरे धीरे उसका लेक का जो बेसिन है वो भरना शुरू करेगा, शैलो हो जाएगा, पौधे आने शुरू करेंगे। Eventually the lake give way to the large masses of floating plant body. Finally converted into land, depending to climate, size and lake and other factors. तो यूट्रिफिकेशन आपने समझा? कब यूट्रिफिकेशन को कहते हैं न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी। क्यों? वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट को बढ़ा देंगे तो उससे वो धीरे धीरे अब क्या हो गया, वो यूट्रिफाई कर जाएगा पॉन्ड और लैंड के रूप में बदल जाएगा। लेकिन ये यूट्रिफिकेशन दो तरह के होते हैं, नेचुरल यूट्रिफिकेशन एंड एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन या कल्चरल यूट्रिफिकेशन। देखिए यूट्रिफिकेशन मुख्यतः इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। सेडिमेंट्स फ्रॉम द लैंड ब्लॉक सनलाइट, धीरे धीरे सेडिमेंट और सेज ग्रास देखिए ग्रो कर रहे हैं। ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। अभी बोले थे कि एल्गल ब्लूम होंगे, एल्गल ब्लूम होंगे और एल्गा डाई करके इसमें बैठते जाएगा, डीके करते जाएगा, धीरे धीरे इसके बेसिन को भरते जाएगा। और यूट्रिफिकेशन क्या कॉज करता है? लूज फूड हैबिटेट एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन, क्योंकि धीरे धीरे लैक की ऑक्सीजन प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होते जाएगी। नेचुरल एजिंग ऑफ ए लैक मे स्पेन थाउजेंड ऑफ ईयर। किसी लैक को नेचुरली यूट्रिफिकेशन या नेचुरल यूट्रिफिकेशन होने में 1000 वर्ष लगता है। हाउ एवर पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम मैन एक्टिविटी लाइक इफ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड द होम कैन रेडियली एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस। दिस फेनोमेना हैज बीन कॉल्ड द कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द लैक इन मेनी पार्ट ऑफ द अर्थ हैव बीन severely eutrophied by the sewage and agriculture and industrial waste. The prime contaminants are nitrate and phosphate, which act as a plant nutrients. They overstimulated
द ग्रोथ ऑफ एल्गी कॉजिंग द अनसाइंगली स्कम एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड द रबिंग ऑफ द वाटर एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन वाइटल टू अदर एक्वेटिक लाइफ. एट द सेम टाइम अदर पॉल्यूटेंट फ्लोइंग इन टू द लेक मे पॉइजन द होल पॉपुलेशन ऑफ द फिश होल डिकम्पोजिंग रिमेन फर्दर डिप्लीट द वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन सच फैशन लाइक कैन लिटरली चॉक और डेथ. खूब होता है. लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गया, शहर में आ गया, गांव में बाढ़ आ गया, क्यों आता है? वो लोग क्या करते हैं, पॉन्ड को लैक को चॉक करा देते हैं, लैंड फिल फिल कर करके सीवेज भेज के, और धीरे धीरे वो चॉक कर जाता है. हीटेड थर्मल वेस्ट वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द इलेक्ट्रिकली जनरेटेड यूनिट एंड थर्मल पावर प्लांट कंटिन्यू द अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट्स. कहता है कि सारी बातों के अलावा एक तीसरी बात आती है, सीवेज हो. पहले बात आपने पढ़ा सीवेज हो तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक, लेकिन उसके साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल हो तब क्या होगा. अब ये तीसरी बात आती है कि जो गर्म पानी डिस्चार्ज किया जाता है उसका एक अलग ही महत्व है और वो भी एक सीरियस कॉज है. द थर्मल वेस्ट वाटर इलिमिनेशन और रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू द हाई टेम्परेचर एंड मे इनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फिश इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया बट ओनली आफ्टर कॉजिंग डैमेज टू द इंडोजीनियस फ्लोरा एंड फौना. कहता है जब वाटर बॉडी में गर्म वाटर आप देंगे तो वाटर का टेम्परेचर बदल जाएगा, तो वहां जो पहले से फ्लोरा और फना रहते थे वो वहां से डिप्लीट कर जाएंगे और गर्म वाटर में रहने के लायक जो फना और फ्लोरा है वो वहां पर आ जाएंगे. यूट्रिफिकेशन की ये पांच स्टेप होती है कि कैसे यूट्रिफिकेशन हो सकता है. तो पहला है न्यूट्रिएंट लोडअप, दूसरा है प्लांट फ्लोरिस, तीसरा है एल्गल ब्लूम, चौथा है डिकम्पोजिशन फर्दर और पांचवा है डेथ ऑफ इकोसिस्टम. ये पांच पॉइंट है. न्यूट्रिएंट लोडअप में क्या होता है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फर्टिलाइजर एंड द फ्लश फ्रॉम द लैंड इनटू रिवर एंड लैक बाय रेन वाटर. प्लांट फ्लोरिस, दिस पॉल्यूटेंट कॉज द एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ ऑफ एल्गी डकवीड एंड अदर प्लांट्स. एल्गल ब्लूम आप जानते ही हैं, डिकम्पोजिशन फर्दर डिप्लीट ऑक्सीजन. एल्गल ब्लूम होने से या इकॉर्निया वहां पैदा होने से जब वो मरेगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो डिकम्पोजिशन होगा जिससे पानी की बीओडी बढ़ेगी. और फाइनली क्राइसिस ऑफ इकोसिस्टम या डेथ ऑफ इकोसिस्टम. तो आपने देखा कि यूट्रिफिकेशन की पांच प्रोसेस है. पहला का नाम है न्यूट्रिएंट लोडअप, दूसरा का नाम है प्लांट फ्लोरिस, और तीसरे का नाम है एल्गल ब्लूम, चौथे का नाम है क्या डिकम्पोजिशन फर्दर, और पांचवे का नाम है डेथ ऑफ इकोसिस्टम. नेचुरल यूट्रिफिकेशन और कल्चर्ड यूट्रिफिकेशन. देखिए नेचुरल यूट्रिफिकेशन में क्या है, टाइम कितना है, सेंचुरी, सेंचुरी में टाइम लगेगा. अब ये बेसिन देखिए धीरे धीरे भर रहा है, ये बेसिन इतना चौड़ा था तो मछलियां रह रही थी, ये भर करके इतना हो गया तो ये मछली अब देखिए दूसरी प्रजाति आ गई इसकी, धीरे धीरे भरते भरते. और कल्चरल यूट्रिफिकेशन में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए कि डिकेड्स, दशक कि दशक में ये चेंज हो गया. क्यों चेंज हो गया, कि ये सारी फैक्ट्री है या ह्यूमन सेटलमेंट है जो लोग सेडिमेंट को जल्दी भरती है. तो एक्सेलरेटेड को ही कल्चरल यूट्रिफिकेशन कहते हैं. इट इज अ सॉर्ट ऑफ यूट्रिफिकेशन दैट इज अ कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी. इट इज अ रैपिड प्रोसेस एज इट टेक ओनली decades to eutrophy and ultimately pollutes the water, so it is much more alarming than the natural eutrophication. It is a process that speed up the natural eutrophication process. आइए कैसे हम इसको water pollution को रोक सकते हैं, इसके लिए case study. A case study of the integrated water wastewater treatment. Wastewater including sewage can be treated in a integrated manner by utilizing a mix of artificial and natural process. An example of आपको artificial process हमने बताया है. An example of such an
इनिशिएटिव इन द टाउन ऑफ आरकाटा सिचुएटेड अलोंग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया कोलाबरेटिंग विद द बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी द टाउन पीपल्स क्रिएटेड एन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विद इन ए नेचुरल सिस्टम द क्लीनिंग ऑकर इन द टू स्टेज द फर्स्ट स्टेज कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन एंड फिल्टरिंग एंड क्लोरिन ट्रीटमेंट आर गिवेन आफ्टर दिस स्टेज लॉस्ट लॉट्स ऑफ डेंजरस पॉल्यूटेंट लाइक डिजोल्व हैवी मेटल स्टिल रिमेन टू कंबैट दिस इनोवेटिव अप्रोच वॉज टेकन एंड द सेकेंड द बायोलॉजिस्ट डेवलप ए सीरीज ऑफ सिक्स कनेक्टेड मार्स ओवर 60 हेक्टेयर ऑफ मार्स लैंड। तो दो बात कर दी गई, पहला जो आपको हमने बताया था प्रॉपर एरिएशन या फिल्ट्रेशन उसको लाया गया, और दूसरा नेचुरल मेथड को लाया गया जिसमें बायोलॉजिस्ट लोगों ने क्या किया, छह मार्स माने छह दलदली भूमि को उन लोगों ने इसके लिए यूज किया जिनकी एरिया 60 हेक्टेयर से ज्यादा की थी। एप्रोप्रिएट प्लांट एल्गी फंजाई एंड बैक्टीरिया वेयर सीडेड इनटू दिस एरिया विच न्यूट्रलाइज द एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट द पॉल्यूटेंट्स हेंस एज द वाटर फ्लो थ्रू दिस मार्स इट गेट प्यूरिफाई नेचुरली। मतलब क्या हुआ कि पहले उसको उसने ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड से वाटर को ट्रीट कर दिया गया, क्लोरेटेड कर दिया गया, और ट्रीट करने के बाद उसे क्या किया गया, मार्सी लैंड में छोड़ दिया गया। अब मार्सी लैंड में बहुत सारे एल्गी बैक्टीरिया वगैरह वहां फंजाई ग्रो करेंगे और वो क्या करेंगे, धीरे धीरे पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते जाएंगे, डीकम्पोज करते जाएंगे। जब ये फाइटोप्लैंक्टन एल्गी बैक्टीरिया वहां ग्रो करेंगे, फंजाई ग्रो करेंगे, तो फिर इनको खाने वाले इनके कंज्यूमर जू प्लैंक्टन भी आएंगे। जू प्लैंक्टन को खाने वाली स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को खाने वाले फ्रॉग वगैरह भी वहां आएंगे, स्नेक भी आएंगे, साथ में लार्ज फिश भी आएंगी और बहुत सारी एक्वेटिक बर्ड्स भी। इस प्रकार आरकाटा एरिया जो था इस काम करने की वजह से आज एक सेंचुरी में बदल चुका है। एप्रोप्रिएट प्लांट्स एल्गी फंजाई बैक्टीरिया वेयर सीडेड इनटू एरिया विच न्यूट्रलाइज द एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट द पॉल्यूटेंट्स एंड एज द वाटर फ्लो थ्रू द एट मार्स इट गेट प्यूरिफाइड नेचुरली। द मार्स ऑल्सो कंस्टिट्यूट ए सेंचुरी with a high level of the biodiversity in the form of fish, animal and birds that now reside there, a citizen group called Friend of Arcata Mars form। कि ये लोग जो काम करने वाले थे, जिनकी जो संस्था जिसने बनी, उस संस्था का नाम क्या, form। ये देखिए form का logo है, Friend of the Arcata Mars। और ये Arcata Mars are responsible for the upkeep and safeguard of this wonderful project। All the time we have assumed that removal of waste require water, the creation of sewage, but what if water is not necessary to dispose of human waste like excreta? Can you imagine amount of the water that one can save if one did not have flushed the toilet? Well, this is already a reality. Ecologist sanitation is a sustainable system for handling human। अब आप दूसरी बात पर ध्यान दीजिए। ये Arcata Mars की बातें मैं बता रहा हूं कि Arcata Mars में कैसे मैनेजमेंट हुआ। कहता है कि इसके अलावा एक बात पर और सोचिए कि मनुष्य जब लैट्रिन जाता है तो कितना पानी यूज करता है। अगर ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए कि लैट्रिन जाने में फ्लश चलाने की जरूरत ना पड़े, बिना फ्लश चलाए काम चले, तो उससे बहुत सारा वाटर सेव हो सकता है। इसके लिए इकोसैंड टॉयलेट जो केरला और श्रीलंका में बनते हैं, आजकल आपके यहां भी रूरल एरिया में बन रहे हैं, मैं भी बता रहा हूं इकोसैंड टॉयलेट क्या है। ये देखिए Arcata Mars, ये Arcata Mars है। और अभी आपने दो प्रोसेस पढ़ा था,
कि एक प्रोसेस जो कन्वेंशनल प्रोसेस है और दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो कन्वेंशनल प्रोसेस में आपने यही देखा था कि जो भी वाटर आ रहे हैं वो प्राइमरीली क्लीन किए जा रहे हैं, क्लीन करने के बाद से उसमें से जो निकल रहे हैं पदार्थ कंपोस्ट, उसको डाइजेस्टर में, स्लग डाइजेस्टर में भेजा जा रहा है वाटर को ऑक्सीडेशन पॉन्ड में, जैसा कि आपको पहले हमने समझाया था। आपने ऑक्सीडेशन का तरीका देखा है वाटर मैनेजमेंट का, शुरू में ही समझाया था। अब ऑक्सीडेशन पॉन्ड से वो ट्रीटमेंट वेटलैंड में जा रहा है। अब ऑक्सीडेशन पॉइंट से जब ये निकल रहा है तो यहां पर इसको क्लोरीन दिया जा रहा है, क्लोरिनेशन। तो ये क्लोरिनेशन करके वाटर चला गया और ये बिना क्लोरिनेटेड, तो जो ट्रीटमेंट करके जिसका बीओडी कम हो गया है उसको सीधे कहां भेज दिया गया, हम्बोल्ट बे मतलब नदी में भेज दिया गया, और जिसका नहीं हुआ है कम उसको कहां भेजा गया, मार्स लैंड में। अब आइए देखिए मार्स, यही ऑक्सीडेशन पॉन्ड है जो यहां ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट की बात आपने कहा, एक दो तीन ये ऑक्सीडेशन, इसी की बात बोला कि छह ठो ऑक्सीडेशन पॉन्ड बनाया, तीन दिख रहा है इसमें। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड बने हुए हैं और ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड के बगल में क्या है, ट्रीटमेंट वाशर, कि जहां ये ट्रीट होंगे। और इसके बाद ये क्या, क्लोरिनेशन। तो देखिए यहां क्लोरिनेशन, अब क्लोरिनेशन के बाद इनहांसमेंट वर्सलेट। अब इसमें ये जो सब दिख रहा है इसके अंदर क्या होगा, वाटर को छोड़ दिया जाएगा, इसमें एल्गी बैक्टीरिया फंजाई ग्रो करेंगे और इनके ग्रो करने से क्या होगा, इसके जो भी मतलब कि टॉक्सिक सबस्टांस है इसको ये ऑब्जर्व कर जाएंगे। अब इसके बाद यह बे वाटर पानी में, खाड़ी के पानी में छोड़ दिया जाएगा या सिंचाई के काम में लाया जाएगा। ये देखिए आर्केटा सेंचुरी, यही है आर्केटा सेंचुरी, कि अब ये धीरे धीरे देखिए कितना ग्रो कर गया, देख रहे हैं इसमें ये पानी है पानी के अंदर, कि आप देख रहे हैं जीव जंतु भी, इकोलॉजिकल इकोलॉजी भी यहां चल रही है, और किस तरह पॉल्यूटेड वाटर जो है उसको नॉन पॉल्यूटेड किया जा रहा है। तो अभी बात हम लोग कर रहे थे कि अगर ह्यूमन जो टॉयलेट करता है अगर उसमें जितना पानी यूज करते उस पानी को कम कर दे, एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू द ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल, द की पॉइंट टू द नोट हियर दैट विद दिस कंपोजिंग कंपोस्टिंग मेथड ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अ रिसोर्स एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर विच रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर। देयर आर वर्किंग इको सैंड टॉयलेट इन मेनी एरिया ऑफ केरला एंड श्रीलंका। आप देखिए यही इको सैंड टॉयलेट है कि यहां से सीधे ये पाइपलाइन से इसको कहां भेज दिया जा रहा है, एरोबिक डाइजेस्टर, आप बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट में भेज दिया जा रहा है, और यहां से क्या भेजा है, दूसरे एनिमल गाय वगैरह के एक्सक्रीटा को, और इससे वो क्या पैदा कर रहा है, बायोगैस पैदा कर रहा है। तो इस तरह के लैटरिन को हम लोग कहते हैं इको सैंड टॉयलेट। अब ये आज के डेट में केरला और श्रीलंका में नहीं, रूरल इंडिया के रूरल एरिया में आप लोग गांव देहात में देखे होंगे प्रधानमंत्री योजना में टॉयलेट बनते हुए, सारे के सारे इको सैंड टॉयलेट है। यहां तक कि आप रेलवे में भी जो टॉयलेट यूज करते हो आप देखिएगा लिखा हुआ होगा कि इस टॉयलेट के अंदर आप एसिड नहीं डालें, पान खाकर गुटखा नहीं डाले, मसाला नहीं डाले, क्योंकि इसके अंदर जीवाणु है जो मर जाएंगे। तो क्योंकि ये डाइजेस्टर जो है, यहां जो ये डाइजेस्ट हो रहा है तो यहां पर माइक्रोब्स है, तो अगर किसी भी तरह की एसिडिक पदार्थ डाला जाएगा तो ये माइक्रोब्स मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये समझा कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, उसका इफेक्ट क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। यहां पर नीट के हिसाब से जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो एक झलक में आपने देखा होगा, क्या क्या है, एल्गल ब्लूम क्या है, यूट्रिफिकेशन क्या है, एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन क्या है,
बायो मैग्निफिकेशन क्या है, आर्काटा मार्श क्या है, फोम क्या है, इको सैंड टॉयलेट क्या है इत्यादि। आप किताबों को एक बार पढ़ें और उसके बाद जहां से जो इच्छा करें वो पूछें, क्योंकि अगर आप किताबें बार बार नहीं पढ़ेंगे, नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, तो इस वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं होगा। धन्यवाद।